अच्छा रिक्वेस्ट ये है कि हम तकरीबन 15 पाकिस्तानी हैं जो इस वक्त इथियोपिया एयरपोर्ट पे फंसे हुए हैं लास्ट नाइट से 21 तारीख दूसरा महीना 21 फरवरी से 2021 से ठीक है। अब तकरीबन एक महीना हो गया हमें अपने घर से निकले हुए ठीक है। 2 फरवरी से हम अपने घर से निकले हुए थे कुवैत जाने के लिए ठीक है। और लास्ट नाइट को हमारी कुवैत जाने के लिए हमारी टिकट कंफर्म थी ठीक है। और कुवैत गवर्नमेंट ने कहा कि हमें अपनी टिकट भी जो है उधर अपना होटल भी बुकिंग करवाओ 7 दिन के लिए, फिर जो है ना हम आपको कुवैत में एंट्री देंगे ठीक है। हमने सारी अपनी अरेंजमेंट करवाई, PCR करवाया, सारा खर्चा किया और तकरीबन 3 लाख रुपये इधर खर्चा करके हम तकरीबन एक महीने से इधर कीनिया में बैठे हुए। लास्ट नाइट को हमारी जो है वो सीट थी कुवैत जाने के लिए, लेकिन तकरीबन 6 घंटा हमने इधर इथियोपिया एयरपोर्ट पे स्टे किया और हमारी फ़्लाइट से 1 घंटा पहले कुवैत गवर्नमेंट ने बोल दिया कि कुवैत जो है ना वो अभी फिर बंद कर दिया गया है, लिहाजा अभी कोई भी जो है नॉन कुवैती पर्सन अभी कुवैत में इंटर नहीं हो सकेगा। इसलिए हमें जो है तकरीबन 24 घंटे होने वाले हैं अभी इधर हम इथियोपिया एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। हमें कोई पूछने वाला नहीं है, कोई हमारी जो है ना कोई हेल्प नहीं कर रहा। इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो है ना हमें कोई हमारी हेल्प की जाए ताकि हम जो है ना कुवैत वापस जा सकें, अपने रोज़गार पे जा सकें, अपने काम पे जा सकें ठीक है। क्योंकि लोगों ने उधर इन्वेस्टमेंट की हुई है, कारोबार है, सारे इम्प्लॉई हैं, सबकी जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम बनी हुई है। इसलिए आपकी बहुत मेहरबानी होगी हमारी जो है ना हेल्प की जाए। और पाकिस्तान गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इतना ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजते हैं ठीक है, वो तो सारे जो है ना इमरान खान साहब भी कहते हैं कि जो ज़र मुबादला आ रहा है हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो इतना ज़र मुबादला पाकिस्तान भेज रहे हैं ठीक है, लेकिन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको भी तो कुछ पूछने वाला होना चाहिए। लेकिन सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ ज़र मुबादला ही सबको जो ना अच्छा लगे, जो भेजते हैं ज़र मुबादला उनकी भी कोई खबरगिरी करनी चाहिए ठीक है। और ये जुल्फी बखारी साहब जो हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हैं मेन जो बने हुए हैं, तो उनको भी ये जो ना सोचना चाहिए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के बारे में कि उनकी क्या मुश्किल क्या प्रॉब्लम है, उनको क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो प्लीज़ जो है ना ये हमारी मुश्किल को हल किया जाए। आपका बहुत शुक्रिया।